हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बेसिक से चलेगा पूरा, पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशन एंड पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशनल स्पेस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन में। तो ये सबसे बेसिक यही है, टू डायमेंशनल स्पेस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई, और इसमें अगर कोई पॉइंट सपोज करें पी, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हो एक्स वाई, वन मिनट, तो कोऑर्डिनेट अगर हमारा एक्स वाई होगा और इसको हम यहाँ से मिलाएं पोजीशन वेक्टर आर, देन ये वाली वैल्यू होगी एक्स, और अगर हम कंपोनेंट में लिखें इसको यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट में, तो ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा एक्स आई कैप, और इधर वाला ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा वाई जे कैप को। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशन यही होगा, और अगर इसका हम लोग मॉड निकालें यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर, और ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो और इसके साथ है यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। तो मान लें कि अगर पोजीशन वेक्टर आर के लिए यूनिट वेक्टर अगर आर कैप हो, तो इसका मान होगा आर कैप इक्वल यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर, यानी मॉड ऑफ वेक्टर आर अपॉन स्मॉल आर। ये है यूनिट वेक्टर, इन टू डायमेंशन यूनिट वेक्टर इन टू डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पोजीशन वेक्टर हम लोग इस तरह से दिखाएंगे और इसका यूनिट वेक्टर आर कैप इस तरह से होगा। अब इसी चीज़ को देख लेते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में। थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें तीनों एक्सिस होगा एक्स वाई जेड। सपोज दिस इज एक्स, और इधर मान लेते हैं वाई, और इस साइड जेड, तो ये अपने ऊपर है, इधर उधर भी साइड मान सकते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करना होगा। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्लेन में, एक तरह से एक्स वाई प्लेन में, फिर इसको मिला देते हैं यहाँ से ओरिजिन से। ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर आर, यहाँ पे मान लीजिए पी, और इसको क्यू, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, इसको भी कुछ पॉइंट मान लेंगे यहाँ आर, और इधर एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर ये होगा एस एस। तो ये जो y एक्सिस के ऊपर है, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई आई को वाई जे कैप, और x एक्सिस पे जो ये वाली है वो रिप्रेजेंट करेगा x i कैप।
तो इसका जो डायगोनल होगा, जैसे ये पैरेललोग्राम जैसा ओ एस क्यू या क्यू आर ओ एस, इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा, जैसा पैरेललोग्राम में होता है कि ये एक पैरेलल लाइंस का पार्ट और एक ये एक पैरेलल लाइन। तो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग पैरेललोग्राम थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर हो जो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे, तो इसका जो डायगोनल होगा वो इसका रिप्रेजेंट इसका रिजल्ट बताएगा। अगर ये वेक्टर ए होता था और ये वेक्टर बी है, तो ये आर की वैल्यू होगी ए प्लस बी। तो उसी तरह से ये जो ओ क्यू वेक्टर होगा, ओ क्यू वेक्टर ये हमारा था टू डायमेंशन में, ओ क्यू वो किसके बराबर होगा, तो ओ क्यू होगा, इसको पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर लगा लेंगे, यहाँ भी वेक्टर और यहाँ भी वेक्टर, तो ओ क्यू हमारा होगा दिस प्लस दिस, यानी वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ एस, यानी एक्स आई कैप और वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, ये वाला, यानी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू वी कैन राइट, तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस ये और इक्वल टू ये, यानी वेक्टर आर इक्वल ओ क्यू प्लस क्यू पी, और क्यू पी एक परपेंडिकुलर है जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, क्यू पी ये वाला जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इसका मान होगा जेड के, जेड के, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में यानी इस तरह से, और इसके ऊपर ये लाइन है पी क्यू, तो ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो जेड के पावर के कैप। तो ओ क्यू का मान है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर आर। तो ये एक्सप्रेशन हुआ पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, सो दिस इज पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, पोजीशन वेक्टर इन 3D, पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। तो इस हिसाब से फिर हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी। इसमें क्या करना था, हमें सिर्फ ये वाला वेक्टर निकालने के बाद इस ट्रायंगल को यूज़ करके पोजीशन वेक्टर आर को फाइंड करना था। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ क्यू प्लस क्यू पी और एक्स आई प्लस वाई जे था, ये ओ क्यू का मान प्लस क्यू पी हमारा जेड के, इसका अगर हम मॉड निकालना चाहें तो मॉड ऑफ वेक्टर आर ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मॉड ऑफ आर, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रहा मैग्नीट्यूड इन थ्री डायमेंशन और ये पोजीशन वेक्टर। अब देखते हैं वेलोसिटी किस तरह से फाइंड होगी। वेलोसिटी होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर आर का टाइम डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो थ्री डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जेड कैप और जेड के कैप। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट dr by dt,
सो वेक्टर डी आर अपॉन डी टी ये इक्वल होगा वी के, तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ये एक्स का कंपोनेंट है, इसको लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और साथ में वी जेड के कैप। तो ये रहा हमारा वेलोसिटी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। और इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें तो डायरेक्ट इसके कंपोनेंट का अंडर रूट आएगा, यानी वी इक्वल अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। सो ये है वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। फर्दर अगर इसके आगे एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना होगा तो इसी का टाइम डेरिवेटिव कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल डी वी बाई डी टी ये हो जाएगा, सिमिलरली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और साथ में ए जेड के कैप। और इसका मॉड निकाल लेंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ए इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। तो थ्री डायमेंशन में वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिया हो फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने को, तो उसको कर सकते हैं आराम से यहाँ से। जैसे एक क्वेश्चन है द पोजिशन वेक्टर क्वेश्चन है पोजिशन वेक्टर वेक्टर आर इक्वल 4 बाय 3 टी क्यू माइनस 2 टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एट ए पॉइंट इन टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एट अ टाइम 3 सेकेंड हमें बताना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो काफ़ी सिंपल है, वेक्टर आर गिवन है 4/3 टी क्यू माइनस 2t वह होगा आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। इसको अगर वेलोसिटी फाइन करना है तो हम सबसे पहले डी आर बाई डी टी करेंगे, यहाँ से मिलेगा वेलोसिटी जो भी आएगा। मान लीजिए ये हो गया 4/3 थ्री टी स्क्वायर माइनस 2 आई कैप प्लस 2t जे कैप। अब इसको उस टाइम के लिए निकालेंगे यानी पुट करेंगे टी इक्वल टू 3 सेकेंड। सो वेलोसिटी एट टी इक्वल 3 सेकेंड, 3 से 3 कैंसिल, 4 टी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 3 जे कैप। 4 3 3 9 36 ये हो जाएगा 34 आई कैप प्लस 6 जे कैप 34 आई कैप प्लस 6 जे कैप ठीक है। फिर इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो v इक्वल अंडर रूट 34 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 34.5 मीटर पर सेकेंड।
34.5 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं था। वेलोसिटी वाले टर्म को यानी इस टर्म को जो भी आया है यहाँ से डायरेक्ट हम इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे, हमें तुरंत मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी dv अपॉन dt। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा वहाँ पर टी की जगह 3 सेकंड पुट करेंगे। ये क्वेश्चन अब खुद से भी हो सकता है। इसका जो फाइनल आंसर है वो 24.1 मीटर पर सेकंड, 24.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको फाइंड कर लेंगे, कुछ नहीं है, हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ये 2D में था और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। हम लोग देख लेते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स अपने से कर सकते हैं जिससे ये और क्लेरिफाई हो जाए। और टाइम को हमेशा तभी रखना है जब हम डेरिवेटिव कर लेंगे, तब वेलोसिटी निकालने के बाद ही टाइम की वैल्यू पुट करनी है। तो न्यू टॉपिक है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा कि पोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, अगर हम 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा है हमने, तो ये अगर कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये आर है, तो पोजीशन वेक्टर होता है आर एक्स आई कैप और वाई जे कैप। तो इसको अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो तो ये वाले डिस्टेंस को हम लोग आर मानते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसको थीटा। तो अगर डायरेक्ट हमें चेंज करना हो कार्टेशियन टू पोलर, तो एक्स को रिप्लेस करते हैं आर कॉस थीटा से। यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, अगर इसको हम R मानेंगे मैग्नीट्यूड में, जो ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक X होता है और इस ट्रायंगल के थ्रू फाइंड करेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू आएगी R cos थीटा और इधर ये वैल्यू आती है R sin थीटा। यानी सिंपली हमें रिप्लेस करना होता है X को R cos थीटा से और Y को R sin थीटा से। यानी इस पोजीशन वेक्टर में वेक्टर r इक्वल एक्स आई कैप और वाई जे कैप में अगर हम x के जगह पुट करें r cos थीटा, y के जगह r sin थीटा, तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है कार्टेशियन टू पोलर। इसमें r कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। वेक्टर r इक्वल टू r, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इन पोलर फॉर्म, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इन कार्टेशियन फॉर्म इन 2D, और ये है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म 2D में ये भी है r cos थीटा। जब हम 3D में जाएंगे तो वहाँ r थीटा के साथ एक फाई टर्म भी आता है, तो सेम p का कोऑर्डिनेट होता है r और थीटा, कार्टेशियन में एक्स वाई और पोलर में r थीटा। और अगर हम इसी को 3D लेवल पे ले जाएंगे 3D में, तो इस p का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3D में, तो ये आएगा r थीटा और फाई, जो आगे डिस्कस होगा। फिलहाल के लिए 2-डायमेंशन में r थीटा ऐसे आएगा। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सेम ही आएगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये r हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो ये था 2D में। हाँ, एक चीज़ और है, इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक, जो वेक्टर r है इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होता है, और इस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी जो रेंज ऑफ r वो 0 टू फ्रॉम, यहाँ पे r की वैल्यू 0
और ये हम पी कहीं भी ले सकते हैं, तो फ्रॉम ज़ीरो यानी ओरिजिन टू इनफाइनाइट जो आर का रेंज है, और दूसरा रेंज ऑफ थीटा, जो थीटा का रेंज है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा। इस लाइन पे थीटा की वैल्यू होती है ज़ीरो, सो दिस इज़ फ्रॉम ज़ीरो डिग्री टू टू पाई, सो ज़ीरो टू टू पाई, तो रेंज ज़ीरो टू इनफाइनाइट और थीटा का रेंज होता है ज़ीरो टू टू पाई। अब जिस तरीके से यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन में आई कैप और जे कैप, उसी तरीके से वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है तो इसका यूनिट वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करें आर कैप से, तो इसकी वैल्यू होती है आर कैप की इक्वल टू है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। और उसी तरह से अगर हम लोग थीटा के लिए यूनिट वेक्टर सपोज करें थीटा कैप, तो इसका जो डायरेक्शन होगा तो वेक्टर आर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर आर का होगा, उसी डायरेक्शन में आर कैप का डायरेक्शन होता है। और थीटा यानी एक तरह से जो आर कैप है इसका डायरेक्शन होगा इंक्रीजिंग, वेक्टर आर इंक्रीजिंग, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इंक्रीजिंग, सो दिस इज इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इंक्रीजिंग, तो जिस डायरेक्शन में आर बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में आर कैप का वैल्यू मिलेगा। और दूसरा जो थीटा है उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर थीटा कैप, वो थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, तो थीटा कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग एंड आर कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है। तो अगर आर कैप हमें मिल जाए तो उसे 90 प्लस करके थीटा कैप भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अदर मेथड भी है। तो आर कैप और थीटा कैप में डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, ये जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का। तो इसको सॉल्व करते हैं छोटा सा हेडिंग डाल के, एक चीज़ और इसमें छूट गया, आर हम लोग निकाले थे, आर की वैल्यू थी आर इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू डायमेंशन के हिसाब से, और थीटा का जो वैल्यू होगा थीटा अगर हमें निकालना होगा यहाँ से तो दिस अपॉन दिस यानी टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसकी बात अगर करें मान लो सपोज़ यहाँ क्यू है और यहाँ पे ओ है, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू टेन थीटा इक्वल वाई बाई एक्स यानी थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये था थीटा की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। पोजीशन वेक्टर की बात करें तो आया ये था वेक्टर आर इक्वल एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप, और इसको अगर हम लोगों ये कार्टेशियन में है पोलर में लिखे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप और वाई हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप। तो अगर हम आर कैप फाइंड करें, आर कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर आर कैप अपॉन आर, तो वेक्टर आर की वैल्यू ये है पूरी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और वेक्टर आर का जो मॉड होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, बाहर आएगा तो सिर्फ आर, तो आर यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा ऊपर,
तो आर कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा आर, आर कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यानी आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये है यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप। तो हम चाहें तो थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई टू करेंगे, जैसे ये वाला एंगल थीटा है और इस थीटा वाले एंगल से पाई बाई टू एंगल आगे थीटा कैप है, तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहें थीटा कैप को तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, थीटा को रिप्लेस करना होगा थीटा प्लस पाई बाई टू से, थीटा प्लस पाई बाई टू। अदर मेथड भी है लेकिन फिलहाल डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा प्लस पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ तक थीटा है और यहाँ से फिर ये लाइन है और ये वाला एंगल पाई बाई टू, थीटा प्लस पाई बाई टू आई कैप प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाई टू जे कैप। तो ये आएगा थीटा कैप इक्वल थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस साइन थीटा आई कैप, सो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो फाइनली इसको ऊपर लिख लेते हैं कि हमें क्या मिला, तो आर कैप इक्वल, आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप एंड थीटा कैप इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये जो दोनों रिलेशन है, दिस इज यूनिट वेक्टर्स आर कैप एंड थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो आर कैप थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, जैसा कि कार्टेशियन में हमें पता था आर कैप की वैल्यू होती है एक्स, जो भी एक्स आई कैप वाई जे कैप और अपॉन में आर, तो एक्स बाई आर और वाई बाई आर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक्स बाई आर आई कैप और वाई बाई आर जे कैप, और यहाँ पे ये दोनों। एक चीज़ और यहाँ से दिखता है कि अगर इस आर का डेरिवेटिव करें तो ये रिलेशन मिल जाएगा, तो आर और थीटा कैप में, आर कैप और थीटा कैप में एक और रिलेशन होता है जो यहाँ से डायरेक्ट भी दिख रहा है, सो दिस थीटा कैप इज इक्वल टू डी आर कैप अपॉन डी थीटा, यानी इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें थीटा कैप मिल जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन है जिसको प्रूफ किया जा सकता है, फिलहाल हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं इसको, आर कैप और थीटा कैप में ये रिलेशन है, यानी आर कैप की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो जाए तो हम डायरेक्ट उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके थीटा कैप को निकाल सकते हैं। हाँ, ये कहाँ से आएगा उसको भी दिखा सकते हैं, तो फिलहाल अलग से इसको करेंगे, यूनिट वेक्टर थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, यही वैल्यू आएगी, तरीका थोड़ा सा दूसरा होगा उसमें डेरिवेशन जब हम करेंगे तो देख लेते हैं उसको भी। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि हमें केवल आर कैप पता हो और वहाँ से थीटा कैप निकाल लें अगर हमें ये रिलेशन पता है, और अगर नहीं पता है तो अलग से डिराइव करना पड़ेगा, जैसे हमने आर कैप को किया है। आर कैप को हम लोग सिंपली ऐसे निकाले हैं, आर कैप मीन्स वेक्टर आर अपॉन आर, वेक्टर आर था हमारा
पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप अपॉन आर, यहाँ से आर आर कैंसिल और यही था। तो सेम इसी तरीके से हम लोग एक अलग से हेडिंग डालेंगे थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, थीटा कैप एक्सप्रेशन फॉर थीटा कैप या यूनिट वेक्टर थीटा कैप, यूनिट वेक्टर थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो थीटा इंक्रीजिंग यहाँ हमें दिखाना होगा, जैसे हम लोग आर के लिए आर इंक्रीजिंग किए थे, तो थीटा कैप हमारा हमें पहले से पता है कि जो थीटा कैप होगा वो इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा होगा। तो हमें डायग्राम कुछ उसी तरीके से बनाना होगा, ये अगर हमारा P है, सपोज दिस इज R और ये थीटा, थीटा इंक्रीजिंग मीन्स इसी से थोड़ा सा हमें और इंक्रीज करना होगा। सपोज दिस, यहाँ पे मान लेते हैं Q, ये है पोजीशन वेक्टर R और ये जो चेंज हो रहा है मान लेते हैं वो चेंज है d थीटा का चेंज है और ये जो लेंथ होगा वो r प्लस डी आर, आर प्लस डी आर। तो खैर उसकी ज़रूरत आएगी नहीं, ये हो गया पी क्यू। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, लेंथ तो आर्कुअल टाइप हम लोग लेंथ निकालेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो r डी थीटा। वहीं से एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, अगर हम लोग आर्क को फाइंड करें यानी पी क्यू, आर्क पी क्यू, तो ये होगा एंगल डी थीटा और ये आर, सो आर डी थीटा आर होगा और उसके साथ में डी थीटा। तो इस P को पोलर फॉर्म में r d थीटा और इसका वैल्यू होगा, तो लेंथ को हम लोग सेम ही रखते हैं फिलहाल, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थीटा में सिर्फ इंक्रीजिंग है। तो r को सेम रखेंगे थीटा प्लस, ये थोड़ा सा और अंदर आएगा यहाँ पे, थीटा प्लस d थीटा। तो सिर्फ थीटा में चेंज हम ला रहे हैं क्योंकि हमें थीटा कैप जो मिलेगा वो इंक्रीजिंग थीटा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। तो बहुत ज़्यादा आर पे वो डिपेंड नहीं करने वाला है, थीटा पे डिपेंड करेगा थीटा कैप का वैल्यू। तो यहाँ पे वो ले लेते हैं, तो अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालें पी क्यू का, तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू, सो दिस ओ क्यू इज वेक्टर आर, सो वेक्टर आर इसको मिला लेते हैं पहले, ये वाली जो वैल्यू होगी ये होती है r cos थीटा और ये वाली वैल्यू r r sin थीटा। और अगर इसकी बात करें इंक्रीज करने पे, जैसे जैसे थीटा इंक्रीजिंग होगा तो ये वाली वैल्यू होगी r cos थीटा। तो एक हमें पता है कि इस r को हम लोग कैसे लिखते हैं, उस r को लिखते हैं इस r को दिस प्लस दिस, यानी एक तरह से एक्स आई कैप और वाई जे कैप। और इसकी बात करें तो यहाँ होगा आर आर कॉस थीटा
आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। तो ओपी होगा हमारा आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। उसी तरीके से अगर ओक्यू के लिए लिखना चाहें ओक्यू, तो ये वाली वैल्यू होगी क्या, आर कॉस थीटा के प्लेस पे होगा थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू होगी आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और उसी तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये होगा आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस डी थीटा। तो ओ क्यू को क्या लिखेंगे, ओ क्यू को लिखेंगे आर, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होगा हम इधर से लिखते हैं, सो पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा प्लस डी थीटा जे कैप माइनस। तो ये है ओ क्यू का वैल्यू माइनस ओ पी, और ओ पी इज दिस आर कॉस थीटा आई कैप, और ये चूँकि माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा जे कैप। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, आई कैप एक साथ और जे कैप एक साथ, फिर हो जाएगा आर कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस, यहाँ से भी आर कॉमन हो जाएगा, आर साइन साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस, यहाँ आई कैप होगा साइन थीटा जे कैप। तो हमें मिल गया वेक्टर पी इक्वल, वेक्टर पी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस कॉस थीटा आई कैप एंड देन आर और पूरा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोजिशन करेंगे, और सपोजिशन कुछ हमारा इस तरीके से होगा कि हम जो थीटा इंक्रीजिंग किए हैं वो अगर बहुत स्मॉल थीटा इंक्रीजिंग हो, जो ये डी थीटा में इंक्रीजिंग है, पहले थीटा था और उसको हम लोग इंक्रीज करके थीटा प्लस डी थीटा किए, तो अगर ये डी थीटा बहुत स्मॉल हो तो फॉर स्मॉल इंक्रीजिंग थीटा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, तो फॉर स्मॉल इंक्रीज, इंक्रीज इन थीटा दैट इज डी थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, तो अगर हम डी थीटा को टेंडिंग टू ज़ीरो करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, हमारा जो कॉस ऑफ थीटा प्लस डी थीटा है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में, ठीक है। इसको हमें एक्सपेंड कर लेना चाहिए था एक बार, तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, कॉस थीटा और डी थीटा, तो एक बार इसको अलग अलग एक्सपेंड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको एक लाइन यहाँ बढ़ा लेते हैं पहले, तो ये होगा, तो ये दिखाना ठीक नहीं है, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, आर ये हो जाएगा कॉस थीटा, ए प्लस बी पे ब्रेक करेंगे इसको, तो कॉस थीटा कॉस डी थीटा माइनस माइनस साइन थीटा और साइन डी थीटा,
बेहतर ये होगा कि पहले हम लोग एक टर्म को सॉल्व कर लें, जैसे हमारा पी क्यू में था ओ क्यू माइनस ओ पी, तो अच्छा ये होगा कि पहले ओ क्यू को हम पूरा एक्सपेंड करके एक बार लिख लें, उसके बाद फिर ओ पी को निकाल के फिर साथ में करें। इस तरह से ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो कॉस डी थीटा माइनस साइन थीटा साइन डी थीटा, ये इसका एक्सपेंशन, और फिर ये माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आई कैप प्लस आर। उसी तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन थीटा कॉस डी थीटा प्लस होगा कॉस थीटा साइन डी थीटा आई कैप ये यहाँ पे जे कैप बाहर होगा जे कैप ना, हमने आई कैप और जे कैप को एक साथ अलग अलग किया था, आई कैप और आई कैप जे कैप और जे कैप, तो यहाँ सिर्फ आर कॉमन ही है साइन थीटा। सो इसका एक्सपेंशन साइन थीटा कॉस डी थीटा प्लस कॉस थीटा कोसाइन डी थीटा, यहाँ पे आएगा जे कैप। अब यहाँ पे हम लोग अपना सपोजिशन करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस डी थीटा, तो अगर हम थीटा इंक्रीजिंग वेरी स्मॉल दिखाएंगे तो अगर डी थीटा हमारा टेंडिंग टू ज़ीरो है तो कॉस ऑफ डी थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ डी थीटा मीन्स कॉस ऑफ ज़ीरो यानी इसकी वैल्यू वन, और साइन डी थीटा में अगर डी थीटा स्मॉल होगा तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो और इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। तो इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर वेरी स्मॉल इंक्रीज इन थीटा, तो डी थीटा हो जाएगा वन, ये टर्म हो जाएगा ज़ीरो, ये टर्म वन और ये टर्म हो जाएगा ज़ीरो। तो अप्लाई करते हैं इसको, वेक्टर पी क्यू बिकम्स आर, और यहाँ पे ये कॉस थीटा, कॉस थीटा और ये होगा वन माइनस ये पूरा टर्म ज़ीरो माइनस कॉस थीटा आई कैप एंड देन प्लस आर, ये होगा साइन थीटा और इसका मान वन, वन प्लस ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो सिंपली हमें मिलेगा जे कैप। तो फाइनली देखते हैं कि क्या मिला, छोटा सा टर्म मिलेगा सब कुछ कटने के बाद, तो आर और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आई कैप का टर्म हमें नहीं मिलने वाला है, हमें सिर्फ मिलेगा आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप। एक टर्म कहीं से मिस हो गया क्या, ये माइनस साइन थीटा और फिर डी थीटा, तो सम कहीं पे कुछ रॉन्ग हो गया बीच में, थोड़ा ध्यान देंगे, हमें लग रहा है ये इस लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन को फिर से लिखते हैं एक बार, कुछ दिक्कत है वहाँ पे। जो वेक्टर पी क्यू था वो आया था लास्ट में, माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसमें एक टर्म बच रहा था जो हम नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो हो गया। सो इसको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, पी क्यू हमारा क्या था, खैर उन दोनों टर्म को क्या करते हैं उसको अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा कि ओ क्यू को पहले अलग से सॉल्व करते हैं और ओ क्यू को अलग से, ओ पी को अलग से, इसको हम लोग लिख सकते हैं फिगर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कन्फ्यूज़न हुआ है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, पी क्यू को लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी एज पी क्यू, पी क्यू। तो पहले हम लोग क्या करें, सिर्फ ओ क्यू को सॉल्व करेंगे, तो ओ क्यू को जब सॉल्व करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू मिलेगी इसको हम बता दे रहे हैं ये क्या आने वाला है, ये आएगा
ओ क्यू माइनस साइन थीटा और डी थीटा। इसको हम फिर से दिखाते हैं, फिर लेट मी चेक। सो ओ क्यू, सो दिस ओ क्यू इज आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा प्लस डी थीटा जे कैप। क्लियर? आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा प्लस डी थीटा। क्लियर? तो कुछ गलत हो गया है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा ओ क्यू में ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी? आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस आर साइन थीटा डी थीटा। जैसे हम लोग ओ पी को लिखते हैं, ओ पी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। यहाँ पे चूंकि थीटा थीटा होता है तो सिर्फ थीटा ही लिखेंगे, और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा प्लस डी थीटा है, इसलिए जो आर कॉस यहाँ भी ये थीटा जैसा प्लस आई आर साइन और ये भी थीटा जैसा। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, यहीं से क्लियर हो जाएगा। आर को कॉमन कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा कॉस थीटा कॉस डी थीटा माइनस साइन थीटा साइन डी थीटा, प्लस में माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ होगा आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन कॉस डी थीटा कॉस डी थीटा, और प्लस होगा कॉस थीटा साइन डी थीटा। यहाँ पे होगा जे कैप साइन ओनली डी थीटा। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इस चीज़ को अगर अप्लाई करें वेरी स्मॉल, तो कॉस डी थीटा वन, यहाँ से कॉस थीटा मिलेगा और ये टर्म होगा ज़ीरो। साइन डी थीटा इक्वल डी थीटा, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। साइन डी थीटा जो होगा हमारा वो वेरी स्मॉल डी थीटा, ये होगा डी थीटा के बराबर। याद कीजिए जब हम लोग लिखते हैं फॉर ए स्मॉल थीटा, फॉर ए स्मॉल थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा, साइन थीटा इक्वल थीटा। तो फॉर ए स्मॉल डी थीटा जब लिखेंगे तो साइन डी थीटा इक्वल होगा डी थीटा, यही मिस्टेक हो रहा था। तो जहाँ जहाँ साइन डी थीटा दिख रहा है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? साइन डी थीटा के प्लेस पे डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आर कॉस थीटा, ये वन हो जाएगा। तो ओ क्यू मिलेगा ओ क्यू आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया आई कैप। और यहाँ से कॉस डी थीटा हो जाएगा वन, सो प्लस आर साइन थीटा और ये वन प्लस कॉस थीटा डी थीटा, और ये होगा जे कैप। जे कैप तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। साइन डी थीटा को डी थीटा लिखेंगे, जब हम वेरी स्मॉल डी थीटा यूज़ करेंगे तो कॉस डी थीटा की वैल्यू वन होगी और साइन डी थीटा का वैल्यू डी थीटा होगा। तो ये है पूरा ओ क्यू, यहाँ से लेके इधर ये है ओ क्यू। तो ऐसा ही हमें ओ पी मिलेगा, और जब दोनों का डिफरेंस करेंगे सेम इसी तरीके से करेंगे तो ओ पी हमको मिलेगा। उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो गया इसमें। तो ओ पी आएगा OP, तो हमारा सिंपल सा है यही OP इक्वल, इसमें कोई बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है, यही है OP। OP इज़ वेक्टर R, सो R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा Z कैप। तो अब हमारे सामने दोनों हैं, तो R sin थीटा I कैप और R sin थीटा J कैप,
आर साइन थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे माइनस होकर कट जाएगी। बचेगा क्या इस टर्म से, आर ये बचेगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप और यहाँ से प्लस कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, प्लस कॉस थीटा डी थीटा जे कैप। लेट मी चेक दिस इज राइट। तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, यहाँ पे आर होगा आर। सो ये राइट आंसर है, पी क्यू का मान यही आ रहा है, दिस इज पी क्यू। पी क्यू और पी क्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा थीटा इंक्रीजिंग वाला डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा है वही डायरेक्शन तो हमारा पी क्यू का है। यानी पी क्यू जो हमें मिला है, ये जो पी क्यू है, अगर हम इसी का यूनिट वेक्टर निकालें तो हमें थीटा कैप मिल जाएगा। सो थीटा कैप इज़ नथिंग बट वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। जैसे हमने आर कैप निकाला था, आर कैप तो आर इंक्रीजिंग में था तो वेक्टर आर अपॉन आर यानी उसी का मॉड। इस बार क्या है, जो थीटा कैप है वो पी क्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा पी क्यू होगा उतना ही ये डी थीटा बड़ा होगा। तो सेम हम लोग इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, थीटा कैप इक्वल वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। तो ये जो वेक्टर हमें दिख रहा है इसको हम लोग लिखेंगे जस्ट ऊपर और इसका जो मॉड होगा वो उसके नीचे। तो निकालते हैं यहीं से, पी क्यू यहाँ पर दिख ही रहा है। लॉन्ग एक्सप्रेशन में जब भी मिस्टेक्स होते हैं तो बड़ा केयरफुली देखना होता है, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई है। तो वेक्टर पी क्यू हमें मिल गया और इसी को हमें यूज़ करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग मॉड निकाल लें। तो इसका मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ पी क्यू इक्वल इसका स्क्वायर करेंगे। सो अंडर रूट आई का जितना भी कोफिशिएंट है माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और डी थीटा दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं आर और डी थीटा। बाकी जो बच रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो वन ही हो जाएगा। यानी इसका जो मॉड होगा वो होगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। यानी इस पी क्यू टर्म अगर हमें थीटा कैप निकालना है सो दिस थीटा कैप विल बी वेक्टर पी क्यू यानी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, ये है। और अपॉन में होगा यही आर डी थीटा यानी थीटा कैप इक्वल टू आर और डी थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस साइन थीटा आई कैप आर कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यही तो है जो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे निकाले थे, आर कैप को डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। और अगर थीटा कैप को अदर तरीके से निकालते हैं तो सेम एक्सप्रेशन वही आता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो अगर कम नंबर्स में पूछा जाता है तो आर कैप को निकाल के डायरेक्ट लिख लेंगे वी नो दैट 10, और उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़े टर्म में आता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर आर कैप एंड थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, तो दोनों को अलग अलग मेथड से करेंगे, आर कैप को उस तरीके से निकालेंगे और थीटा कैप को इस तरीके से पूरा इस फिगर को बनाते हुए तब जाके उसको करेंगे। तो ये सेम चीज़ है। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी कि थीटा को इंक्रीजिंग जब करेंगे तो हम लोग सिर्फ थीटा को चेंज कर रहे हैं, आर को चेंज नहीं कर रहे हैं। आर हमारा फिक्स है, आर फिक्स है, सिर्फ थीटा को इंक्रीज कर रहा है। पहले वाले में क्या था, फर्स्ट वाला जो हम लोग चेंज किए थे वहाँ पे आर इंक्रीजिंग था, थीटा इंक्रीजिंग नहीं था, सिर्फ आर था। तो ये था जो 2D में था अभी तक।
तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर आर कैप थीटा कैप इन 2D इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो ये दोनों जो फार्मूले आ रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। 2D में है ये, टू डायमेंशनल स्पेस, 3D को हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।